आप, मैं हूँ अलीजा और आप देख रहे हैं अलीजा हेल्थ एंड बॉडी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी टिप लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी वजीना से हेयर रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो भी क्रीम यूज करते हैं, उसके क्रीम यूज करने से आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज्यादा घने हो जाते हैं और आप बार बार इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने से आपकी जो स्किन है वो भी डल पड़ जाती है। तो आज इन दोनों के यूज से आज मैं आपको बताऊंगी, कोलगर और टोमेटो के यूज से आपके जो हेयर रिमूवर है, वजाना के हेयर रिमूवर, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेमेडी को, इस टिप को बनाना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने एक टोमेटो लेना है, इसको अच्छे से अंदर से कट करना है, सेंटर से कट करने के बाद हमने जो टूथपेस्ट है वो इस तरह से लेनी है। तकरीबन आपने 1 टेबलस्पून लेनी है इस तरह से, और आपने अपनी वजाइना के जहां पे भी आपके हेयर्स है उसको अच्छे से रब करना है। जब ये अच्छे से आपने रब करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको ठंडे पानी से वॉश करना है। जब आप वॉश करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो स्किन है वो भी साफ और निखरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे वीक में 2 या 3 दफा लास्ट में ट्राई करें। इसके ट्राई करने से आपके जो हेयर हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की यूजफुल सी टिप। तो कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।